हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। लॉकडाउन के बाद शहरों ही नहीं कस्बों और गांवों में भी ऑनलाइन पढ़ाई का चलन तेजी से बढ़ा है, लेकिन गरीब अभिभावकों के लिए अपने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देना आसान नहीं है, वो भी ग्रामीण भारत में। हमारी ये कहानी ऐसे ही अभिभावक की कहानी है जिसने अपने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए अपनी गाय बेच दी। आपकी स्क्रीन पर दो तस्वीरें, एक में गाय, दूसरी तस्वीर में हाथ में फोन लिए एक छोटा सा बच्चा, और इन दोनों के पीछे एक कहानी। ये है वंश, दूसरी कक्षा में पढ़ते हैं, हाथ में मोबाइल है, ऑनलाइन क्लास में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। अभी उसको ठीक से स्मार्टफोन चलाना नहीं आता है, पर इस फोन के लिए वंश के पिता ने अपनी गाय बेच दी है। गाय बेची और मोबाइल बच्चों की पढ़ाई के लिए ऑनलाइन काम आ रहा था, इसलिए गाय बेचनी पड़ी। रहने के लिए कच्चा घर है, गुजारे के लिए पशुपालन का सहारा, पर बच्चे की शिक्षा के लिए रोजी रोटी का जरिया बेचना पड़ा। पर जब ये किस्सा प्रशासन तक पहुंचा, तो अब कई कदम उठाए जा रहे हैं। बगीचा लगना, उनके फलदार बगीचे की डेवलपमेंट कराई जाएगी, साथ ही साथ वाटर टैंक का भी उन्हें आश्वासन दिया गया। साथ ही साथ इसी व्यक्ति का प्रधानमंत्री आवास योजना में भी नाम डाला गया है, और जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इसकी किस्त दी जाएगी तो इन व्यक्ति के घर का निर्माण भी कराया जाएगा।